हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी वर्ड पावर मेड इजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी नेक्स्ट सेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेशन नंबर 32 सेशन नंबर 31, यानी कि आज के इस वीडियो के बाद में हमारा जो पार्ट 11 है इस किताब का वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपकी ऑलमोस्ट पूरी किताब हम कवर करने की ओर अग्रसर हैं, यानी कि टोटल 49 सेशंस हैं इसमें और हम 31 सेशंस तक आ गए हैं, तो करीब 20 सेशंस हमारे और बचते हैं जो कि आने वाले दिनों में आपके पूरी तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। आपको पीडीएफ तब मिलती है जब एक पूरा पार्ट खत्म हो जाता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, देयर इज समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आप मेरे बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अभी तक तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां पर आप इन सभी टीचर से पढ़ सकते हैं, जितने भी टीचर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सारे टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं। एंड यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल द टीचर्स एट दिस कॉस्ट। आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है जो कि है AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 5400 रुपीज़ में और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 4320 रुपीज़ में मिलता है। उसके बाद आप सारे टीचर से पढ़ सकते हैं एंड सारी क्लासेस ले सकते हैं। मेरे जो जून में कोर्सेज प्लान्ड हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, कई सारे कोर्सेज जून में आ रहे हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए जल्दी से, जिससे कि आप सारे कोर्सेज को अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम जो जून के कोर्सेज हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। पहला कोर्स है एरर डिटेक्शन का, जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोर्स है जो कि 7 जून से शुरू होगा। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोर्स है जो कि 15 जून से शुरू होगा। एडियम्स एंड फ्रेजेस का कोर्स है जो कि 22 जून से शुरू होगा। ये दोनों कोर्सेज वोकैबलरी के हैं, तो आपको पता ही है मैं वोकैबलरी कैसे पढ़ाता हूँ। तो वन वर्ड और एडियम्स भी हमारे इसी तरीके से कवर होंगे जैसे कि इन वीडियोज़ में हमारे कवर होते हैं। और ग्रामर का कोर्स भी आपका जून में प्लान्ड है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और अगर आप कोई भी क्वेरी है तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8299117042, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे ज़रूर कर दीजिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट हो पाएँ। वहाँ पे मैं आपको क्लास के अपडेट्स और PDF वगैरह फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की इस वीडियो की बात। आगे बात करते हैं, और अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से भाई ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन और सब कुछ मिलेगा। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो @AmanTrivedi। ठीक है, चलिए, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज, हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लिए थे, उसके आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 50% हमने कवर कर लिया था, 50% के आगे का हमें कवर करना था, तो उसी के आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था सोरोरिटी। सोरोरिटी का मतलब मैंने बताया था सोशल क्लब ऑफ फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स, जिसमें सोरोर का मतलब था सिस्टर, तो अ सोरोरिटी मेंबर ऑफर्ड अ रशी अ सिगरेट। ठीक, अगला वर्ड हमारा क्या है, यूक्सोरियस। यूक्सोरियस क्या होता है, यूक्सोरियस का मतलब हो जाता है वाइफ। तो यूक्सोरियस, अगर किसी शब्द में OUS हमारा सफिक्स आता है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, OUS सफिक्स का मतलब होता है आपका, OUS सफिक्स का मतलब होता है एडजेक्टिव। तो यानी कि ये हमारा जो वर्ड है आपका क्या हो जाएगा, यूक्सोरियस। यूक्सोरियस का मतलब हो जाता है एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ और सबमिसिव टू अ वाइफ, यानी कि आप इसे हिंदी में कह सकते हैं जोरू का गुलाम, या इसे आप हैंड पैक्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो जोरू का गुलाम आपको याद होगा, तनु वेड्स मनु मूवी का ये सीन है जिसमें आप इसे समझ सकते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड दैट जोरू का गुलाम क्या है, यूक्सोरियस क्या है, मतलब जो एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ हो अपनी वाइफ का और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बात माने, उसे कहते हैं यूक्सोरियस। फॉर एग्जाम्पल, देर आर दोज हु रिगार्ड हिम एज यूक्सोरियस स्पाउस और ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइफ। एडजेक्टिव इसका हो जाएगा, यूक्सोरियल भी हो जाएगा, एडवर्ब यूक्सोरियसली हो जाएगा, नेस लगाते हैं तो नाउन बन जाता है, तो यूक्सोरियसनेस इसका नाउन बन जाएगा। अगला वर्ड है आपका मैरिटस। मैरिटस का मतलब हो जाता है हस्बैंड। इससे वर्ड क्या बना, मैरिटल, यानी कि मैरिटल रिलेशनशिप, मतलब ऑफ और रिलेटिंग टू द स्टेट ऑफ मैरिज, मैरिज से रिलेटेड हो तो उसे मैरिटल कह देंगे आप। सिनोनिम हो जाएगा कॉन्जुगल, कॉन्यूबियल या मैरिड। एंटोनिम हो जाएगा नॉन मैरिटल। कुड आई आस्क यू अबाउट योर मैरिटल स्टेटस, क्या तुम्हारे मैं मैरिटल स्टेटस के बारे में बात पूछ सकता हूँ। मैरिटल स्टेटस मतलब रिलेटेड टू मैरिज। ठीक, अब अगला हमारा आता है मेरिटस से ही, हमने इसमें प्री लगा दिया। प्री का मतलब क्या है, बिफोर, और मेरिटस मतलब
मैरिड से था, मैरिटस मतलब हस्बैंड, मैरिटल मतलब शादी से था, तो प्री मतलब बिफोर मैरिज, मैरिटल मतलब मैरिज, तो बिफोर मैरिज यानी रिलेटिंग टू इवेंट्स बिफोर अ मैरिज, शादी से पहले के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री मैरिटल अफेयर्स, ठीक है। प्री मैरिटल अफेयर मतलब शादी से पहले की जो चीज़ें हैं उन्हें कहेंगे प्री मैरिटल। परहैप्स प्री मैरिटल वेस्टर्नर्स टेंडेड टू बी मोर पीपल लिविंग नेचर, ठीक है। तो परहैप्स प्री मैरिटल वेस्टर्नर्स टेंडेड टू बी मोर पीपल लिविंग नेचर, यानी कि वेस्टर्नर्स के लिए बात हो रही है। प्री मैरिटल मतलब समझ गए, शादी से पहले के जो रिलेशन होते हैं उन्हें प्री मैरिटल कहते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, रेक्स या फिर रेगिस। रेक्स या फिर रेगिस का मतलब होता है किंग, ठीक है। वर्ड है आपका टिरेनोसोरस। टिरेनोसोरस, टिरेनोसोरस का मतलब हो जाता है लार्ज कॉर्निवोरस बाइपेडल डायनासोर हैविंग इनॉर्मस टीथ विद नाइफ लाइक सेरेशंस, इन्हें हम कहते हैं टिरेनोसोरस। तो ये स्ट्रक्चर आपका टिरेनोसोरस का है। टिरेनोसोरस रेक्स वॉज अ लार्ज कॉर्निवोर, ठीक है। चलिए अगला है रेक्स रेगिस से ही वर्ड आता है आपका रीगल। रीगल का मतलब क्या हो जाता है, बिलोंगिंग टू और बेफिटिंग अ सुप्रीम लीडर, ठीक है, यानी कि सुप्रीम लीडर को बिलोंग करने वाला, बिलोंगिंग टू, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा किंगली या फिर मोनार्कियल, तो यू नो द क्वीन एलिजाबेथ, और ये वहीं के आपके इंग्लैंड की हैं, ठीक है। ही सैट विथ सच रीगल डिग्निटी, यानी कि वो राजशाही डिग्निटी के साथ बैठा। नाउन क्या हो जाएगा, रिगैलिटी इसका नाउन बन जाता है। अगला वर्ड हमारा आता है रिगैलिया। रिगैलिया क्या हो जाता है, बिलोंगिंग टू और बिफिटिंग अ सुप्रीम रूलर, उसी से रिलेटेड है रिगैलिया। ही सैट विथ सच रीगल डिग्निटी, रीगल डिग्निटी उसी सेंस में रिगैलिया आ जाता है। रीगल मतलब राजा से रिलेटेड, रिगैलिया भी राजा से रिलेटेड हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा मोनोमैनियक। तो मोनोमैनियक क्या हो जाता है, मेनिया मतलब हो जाता है मैडनेस या फिर पागलपन, किसी भी चीज़ का जो पागलपन होता है उसे हम मेनिया कहते हैं, और मोनो मतलब हो जाता है एक। तो मोनोमैनिया का मतलब क्या हुआ, मेंटल इलनेस स्पेशली व्हेन लिमिटेड इन एक्सप्रेशन टू वन आइडिया और एरिया ऑफ थॉट, यानी कि एक व्यक्ति मेंटली इल है जो कि बहुत ज़्यादा एक ही आइडिया के पीछे घूम रहा है, उसे कहते हैं मोनोमैनिया। यानी आपने कोई एक आइडिया, बिलीफ आपने पकड़ा और आप उसी के पीछे भाग रहे हैं, दिस इज एंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आप उसके उससे जुड़ जाएं, तो उसे कहेंगे मोनोमैनिया। द मोनोमैनिया इज अनबैलेंस्ड इन जस्ट वन एरिया ऑन एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट हिज ओन पेट एंड पर्टिकुलर डिल्यूजन टू ही मे बी कम्प्लीटली नॉर्मल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसने अपने पेट की तरफ ही सारा ध्यान दे रखा है, तो वो हो गया मोनोमैनिया। मोनोमैनियाकल एडजेक्टिव हो जाता है, मैनियाकल पागलपन से रिलेटेड एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मोनोमैनिया का, मोनोमैनिया इज समटाइम्स गुड, लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर, स्टीव जॉब्स वॉज मोनोमैनिया फॉर एप्पल एंड दैट्स वाई ही क्रिएटेड सच अ मार्वेलस प्रोडक्ट। तो मोनोमैनिया मतलब होता है किसी एक चीज का पागलपन, जैसे यू गाइज मस्ट बी मोनोमैनिया फॉर SSC ECGL, यानी कि आपको अपने एग्जाम्स, अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल मोनोमैनिया होना चाहिए, पागल होना चाहिए, एकदम पीछे लगे रहना चाहिए, ठीक। अगला वर्ड हमारा क्या है, डिप्सो। डिप्सो का मतलब होता है आपका थर्स्ट, प्यास, और मेनिया मतलब पागलपन। तो अगर एक्सेसिव प्यास लग रही है, यानी कि ऐसी प्यास जो कि बुरी है, मैडनेस का क्रॉस कर रही है, उसे हम कहेंगे एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहल, जिसे बहुत ज़्यादा शराब की तलब लगती है, उसे कहते हैं डिप्सोमेनिया। एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं, आई होप ही इज़ नॉट अ डिप्सोमेनियक, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि वो एक डिप्सोमेनियक नहीं है, वो शराबी या पियक्कड़ नहीं है। एडजेक्टिव हो जाएगा डिप्सोमेनियाकल। तो डिप्सोमेनिया आप याद रख सकते हो, कबीर सिंह मूवी में जो इसका कैरेक्टर था, ही वॉज अ डिप्सोमेनियक, यानी कि ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द सीन्स ही यूज टू कीप ड्रिंकिंग लाइक दिस। तो डिप्सोमेनिया मतलब हो जाता है पागलपन फॉर शराब। अगला है आपका क्लेप्टोमेनिया। क्लेमेनिया मतलब पागलपन, क्लेप्टो मतलब चुराना, तो क्लेप्टोमेनिया मतलब हो गया एन इररेजिस्टिबल इंपल्स टू स्टील इन द एब्सेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक मोटिव, यानी कि जब आपके पास कुछ और करने को नहीं है तो आप क्या कर रहे हो कि आप चीज़ों को चुरा रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ों की कमी है, ऐसा नहीं है कि आपके पास संसाधन की कमी है, पैसा नहीं है, लेकिन आदत होती है कुछ लोगों की चुराने की, इसे हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, मतलब ज़बरदस्ती चीज़ों को चुराना। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, क्लेप्टोमेनिया इज अ मेनिया फॉर स्टीलिंग थिंग्स, क्लेप्टोमेनिया चीज़ों को चुराने की मेनिया है। नाउन हो जाएगा क्लेप्टोमेनियाक, वह व्यक्ति क्लेप्टोमेनियाक है, सो उस सेंस में आ जाएगा नाउन, ठीक है। तो क्लेप्टोमेनिया याद रख सकते हैं, इररेजिस्टिबल डिजायर टू स्टील थिंग्स। अगला है पायरोमेनिया। तो पायरोमेनिया क्या हो जाता है, पायरोमेनिया मतलब पायरोस से आएगा फायर, ठीक, और पायरो मतलब फायर, और मैडमेनिया मतलब पागलपन। तो पायरोमेनिया मतलब हो गया एन इररेजिस्टिबल इंपल्स टू स्टार्ट फायर, यानी कि जिसे बहुत ज़्यादा इररेजिस्टिबल इंपल्स होती है आग लगाने की, उसे कहेंगे पायरोमेनिया। अ पायरोमेनियाक डजंट थ्रो अवे द लास्ट थ्री मैचेस, यानी कि पायरोमेनियाक ने आखिरी तीन माचिस की तीलियाँ नहीं फेंकी।
पायरोमेनियाक नाउन हो जाएगा। पायरोमेनियाक मतलब जो आग लगाने की इररेजिस्टिबल डिजायर रखता है, ठीक है। तो इसे आप याद रख सकते हो, इससे इसके थ्रू आपका, जैसे अनु मलिक बार बार कहते ना आग लगा देगा आग लगा देगा आग लगा देगा, तो ही इज़ अ पायरोमेनियाक, ठीक है। याद रखने का तरीका है, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है उनका मतलब वो नहीं होता था। अगला है इंसेंडरी, ठीक है। इंसेंडो या इंसेंसस का मतलब होता है मैडनेस, इंसेंडरी मतलब हो गया डिजाइंड टू कॉज फायर्स, यानी कि जो आग लगाने के लिए ही बनाया गया है, जैसे कि महाभारत का लाक्षाग्रह उसे बनाया ही इसलिए गया था कि वो उसमें आग लगाई जा सके। 5 इंसेंडरी डिवाइसेस वर फाउंड इन हाउस, उसके घर में 5 ऐसी डिवाइसेस पाई गई जिनसे आग लग सके, ठीक है। तो इंसेंडरी आप याद रख सकते हो लाक्षाग्रह, ठीक है। दैट हाउस वॉज इंसेंडरी, मतलब द इंसेंडरी ही वॉज, दैट वॉज एन इंसेंडरी हाउस, यानी कि ऐसा हाउस था जिसमें जल्दी से आग लग सके, ठीक। अगला है आपका आर्सनिस्ट, आर्सस या आर्डो का मतलब हो गया बर्न। आर्सनिस्ट, किसी भी वर्ड में आईएसटी लगता है तो वो क्या बनता है, कॉमन नाउन। तो आर्सनिस्ट क्या हो गया आपका, यानी कि आग लगाने वाला। अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, यानी कि एक क्रिमिनल जो जबरदस्ती चीज़ों में आग लगाता है उसे आर्सनिस्ट कहते हैं। द आर्सनिस्ट में हार्बर अ ग्रज अगेंस्ट द कंपनी, यानी कि जो जबरदस्ती आप चीज़ों में आग लगाए उसे आर्सनिस्ट कहेंगे। जैसे आप देखते हो ना कई बार आग लगा देते हैं लोग, उस सेंस में आ जाएगा, ठीक है। सो आर्सनिस्ट मतलब जो चीज़ों को आग लगाए बिना किसी मोटिव के, बिना इलीगली आग लगा दे, जैसे दंगे वगैरह होते हैं तो आग लगा देते हैं तो कहीं पे, उसे कहते हैं आर्सनिंग करना या आर्सनिस्ट, जो आग लगा रहा है उसे आर्सनिस्ट, ठीक है। अगला वर्ड है आपका मेनिया, मेनिया से रिलेटेड है मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया क्या हो जाता है, अ साइकोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर ऑब्सेशन विद द एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी कि साइकोलॉजिकल स्टेट जिसमें कोई भी व्यक्ति पावर को एक्सरसाइज करने से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा पागलपन है उसके अंदर, कि मतलब उसको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, अपनी शक्ति को हर समय दिखाते रहना है, इसे कहते हैं मेगालोमेनिया। किसी भी वर्ड में मेगा आएगा तो उसका मतलब हो जाता है ग्रेट या फिर बिग, मेनिया मतलब मैडनेस। तो मेगालोमेनिया मतलब साइकोलॉजिकल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर ऑब्सेशन विद एक्सरसाइज ऑफ पावर। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं द डिक्टेटर वॉज सफरिंग फ्रॉम मेगालोमेनिया, डिक्टेटर जो था वो मेगालोमेनिया से सफ़र कर रहा था, यानी कि एक्सरसाइज ऑफ पावर से सफ़र कर रहा था। एडजेक्टिव हो जाएगा मेगालोमेनियाक्स। मेगालोमेनिया के लिए आप याद रख सकते हो इसको किम जोंग यू, ही इज अ मेगालोमेनियाक, यानी कि ही इज ऑलवेज ट्राइज टू शो हिज पावर, एक्सरसाइज हिज पावर। अगला है निम्फोमेनिया। निम्फो मतलब हो जाता है ब्राइड और मेनिया मतलब पागलपन। तो निम्फोमेनिया हो जाता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर बाई अ फीमेल, दैट इज कॉल्ड निम्फोमेनिया। लुशिया वॉज अ नोन निम्फोमेनिया इन पेरिस इन द 30s, ठीक है। निम्फोमेनिया एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर बाई अ फीमेल। और नेक्स्ट हो जाता है सेटेरोमेनिया। सेटेरो मतलब सेटेरस मतलब वो साइटर, मीनिंग हो जाता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर बाई अ मेल, उसे हम कहते हैं सेटेरोमेनिया। तो निम्फोमेनिया फीमेल की एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, सेटेरोमेनिया मेल की एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। एडजेक्टिव हो जाएगा सेटेरियासिस, ठीक। अगला है आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या हो जाता है आपका, क्लॉस्ट्रो मतलब हो गया एनक्लोज्ड, फोबिया मतलब फियर। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब हो जाता है अ मॉर्बिड फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन अ कन्फाइंड स्पेसेस, एक बहुत जैसे कि एक आपको कम जगह में अगर रहने में डर लगता है उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब जैसे एक इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूँ जाकिर खान का, कि जाकिर खान की एक बार दोस्त थी, एक उसने अपने इंटरव्यू में एक बार बताया कि उसकी एक दोस्त ने कहा कि मुझे ना क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो जाकिर खान वॉज लाइक कि क्या होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, उसे लगा कुछ खाने की चीज़ होगी। तो उसे बोला कि क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब मुझे ना कम जगह में अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो मुझे डर लगता है। तो ही सेड कि अच्छा मुझे तो मैं तो उसे तो घर कहते हैं, उसमें डर कैसे लग सकता है, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया आप याद रख सकते हो, कम जगह में ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसे आपको अजीब सा फील होने लगता है, उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ही सफर्स फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया सो ही नेवर ट्रेवल्स ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन्स, क्लॉस्ट्रोफोबिक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए आप याद रख सकते हो ट्रैप्ड मूवी में, जैसे कि एक जगह पर बंद हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे होने लगेगा। अगला है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है मॉर्बिड फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, ज़्यादा ओपन स्पेसेस से आपको डर लगने लगता है, उसे भी कहेंगे एगोराफोबिया। एग्रोरा होता है आपका मार्केट प्लेस, फोबिया फियर, तो एगोराफोबिया हो गया ओपन स्पेसेस से डर लगना। शी हैड एगोराफोबिया एंड नेवर वॉन्टेड टू गो आउट ऑफ हाउस, एगोराफोबिक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिक का एडजेक्टिव अपोजिट क्या हो जाएगा, एगोराफोबिया। अगला है एक्रोस। एक्रोस हो जाता है हाइट, फोबिया फियर,
तो एक्रोफोबिया मतलब हो गया एबनॉर्मल ड्रेड ऑफ बीइंग फियर, बीइंग इन अ हाई प्लेस और फियर ऑफ हाइट्स, उसे कहते हैं एक्रोफोबिया। एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं मैनी पीपल सफर फ्रॉम वेरी सीरियस एक्रोफोबिया, बहुत सारे लोग बहुत ही सीरियस एक्रोफोबिया से सफर करते हैं। एडजेक्टिव हो जाएगा एक्रोफोबिक, ठीक है। एक्रोफोबिया आप देख सकते हो, ये मेरी ही पिक्चर है एंड आई एम एन एक्रोफोबिक, यानी कि आई रियली फियर फ्रॉम वेरी हाइट स्पेस, मतलब ऊंची जगहों से, हाई प्लेसेस से मुझे भी डर लगता है। जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हो, ठीक है, ये जो पहाड़ी थी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर थी और बहुत गहरा था, मतलब बहुत नीचे से, ये आपका इंद्रहारा पास के आसपास की जगह का है, जगह है, तो मैं फ़ोटो खिंचा रहा हूँ और डरते डरते फोटो खिंचा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ एक्रोफोबिया, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एक्रोफोबिया, ठीक है। चलो देखो, तुमको समझाने के लिए कहाँ कहाँ से अपनी फ़ोटो लानी पड़ जाती है। अगला वर्ड क्या है? इकॉन। इकॉन हो जाता है रिलीजियस इमेज और क्लाइन हो जाता है टू ब्रेक। यार देखो, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, काफ़ी मेहनत लग रही है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट इज अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, इमेजेस यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप। यानी कि आइकोनोक्लास्ट के दो मतलब हैं, एक तो ये कि जिसे आप ऐसे हिंदी में याद रख सकते हो, मूर्ति भंजक, जो कि ये मानता है कि रिलीजियस बिलीफ में जो इमेजेस, जो मूर्तियों का की पूजा होती है उसका अगेंस्ट है, उसे कहेंगे आइकोनोक्लास्ट, पहली बात। आइकोनोक्लास्ट का दूसरा मतलब ये भी हो जाता है कि मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा सेट बिलीफ्स हैं किसी के, या हमारे या किसी के भी, और उनके अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलते हो तो उसे भी आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे काम, या तो एक तो मतलब हो गया कि आप मूर्ति भंजक हैं, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, दूसरा मतलब हो गया कि आप ऐसी बातों को कर रहे हैं, ऐसी प्रिंसिपल्स, ऐसी बातों को आगे ला रहे हैं जो कि आप ये बता रही हैं कि आपके जो पुराने सेट ऑफ बिलीव्स हैं उनको तोड़ते हैं। जैसे मान लो, हम पहले एक समय पर हम ये मानते थे कि पूरी जो धरती है वो कछुए के ऊपर रखी है या शेषनाग के फन पे रखी है, तो ऐसा नहीं है ना, तो दिस इज आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, वी जो आइकोनोक्लास्ट मतलब ये बिलीफ टूटा हमारा। तो बोहेमियन याद रख सकते हैं, बोहो काउंटर कल्चरिस्ट, डेवी आपका आप लोनर याद रख सकते हो, नॉन कन्फर्मिस्ट याद सकते हो, ठीक है, कन्फर्मर या कॉन्फर्मिस्ट आपका एंटोनिम हो जाएगा। अ वॉन्डरर एंड आइकोनोक्लास्ट हुज माइंड हैड ओनली बीन मैच्ड बाई हिज इसेंट्रिसिटी। अगला है आइकोनोक्लास्ट के लिए, याद रख सकते हो पीके में, जैसे कि जो इसका कैरेक्टर था, ही वॉज एन आइकोनोक्लास्ट, यानी कि ही बिलीव दैट कि कोनो फिरकी ले रहा है, ठीक है, तो ये आइकोनोक्लास्ट याद रख सकते हैं आप। अगला वर्ड है आपका थियोस। थियोस मतलब है गॉड और ए मतलब हो जाता है निगेटिव प्रिफिक्स, ठीक। तो अथीस्ट मतलब अ वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, समवन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड अथीस्ट, एंटोनिम हो जाएगा थीस्ट। He openly declares himself as an atheist. वो openly अपने आप को as an atheist declare करता है। Atheistic adjective हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो ये था, इसका character atheist था, उससे भी आप याद रख सकते हो। Agnostic क्या होता है? A मतलब हो गया not, agnostic मतलब known। यानी कि one who believes that nothing can be known about the existence of God, जो ये मानता है कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जाना जा सकता। So a person who claims that they cannot have true knowledge about the existence of God, but does not deny that God might exist. लेकिन जो ये भी नहीं कहता है कि God exist करता है, ऐसा भी नहीं है कि वो ये मान रहा हो कि भगवान है ही नहीं, ये कह रहा है लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा जान नहीं सकते। तो synonym हो जाएगा agnostical या doubter। You grew up in an agnostic household and have never been able to bring yourself to believe in God। तुम्हारा जो पालन पोषण हुआ वो एक ऐसे घर में हुआ जहाँ पे लोग भगवान पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, और कभी इसीलिए तुम कभी भी भगवान पे भरोसा नहीं कर पाए। एग्नोस्टिसिज्म एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसे याद रख सकते हो, जैसे जावेद अख्तर ने कहा आई एम एन अथीस्ट एंड हैव नो रिलीजियस बिलीफ, तो यानी कि ही बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, ठीक। लेकिन अब जो कमल हसन है, इन्होंने कहा इवन इफ गॉड अपीयर्स आई विल नॉट वर्शिप हिम, यानी कि दिस इज एन एग्नोस्टिक कैरेक्टर, यानी कि इन्होंने कहा हो सकता है गॉड हो लेकिन अगर आ भी जाता तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा। और ये क्या है? अथीस्ट, यानी कि जो भगवान में मानते ही नहीं कि है ही नहीं भगवान, ठीक है। ये है आपके, याद रख सकते हो, टिपिकल एग्जांपल ऑफ दिस। डायग्नोसिस, तो डाया मतलब होता है थ्रू और ग्नोसिस मतलब नॉलेज, यानी कि किसी के बारे में नॉलेज करना। तो डायग्नोसिस हो जाता है एन आर्ट और एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिसीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। तो जो उसके किसी बीमारी का पता लगाना फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स इज कॉल्ड डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिशियन हो गया, जो व्यक्ति डायग्नोस कर रहा है, तो बीमारी का पता लगाना, ठीक है।
तो अवार्ड कॉल द कंक्लूजन एंड डिसीजन सिनोनिम हो जाएंगे. द डायग्नोसिस वॉज डिवास्टेटिंग, शी हैड कैंसर. वर्ब क्या हो जाएगा? डायग्नोस करना. अगला वर्ड हो जाता है प्रोग्नोसिस. तो प्रो मतलब हो गया बिफोर और ग्नोसिस मतलब हो गया नॉलेज. तो प्रोग्नोसिस मतलब हो जाता है अ प्रेडिक्शन ऑफ द कोर्स ऑफ अ डिसीज. यानी कि जैसे सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, आपकी बीमारी को डायग्नोज करने की कोशिश करेगा. वो पता करने की कोशिश करेगा कि भगवान सॉरी कि आपको क्या बीमारी है. ठीक, जब वो डायग्नोज हो गई तो वो उसकी प्रोग्नोसिस बताएगा. प्रोग्नोसिस मतलब उस बीमारी का कोर्स ऑफ डिसीज कि कैसा है, कि बीमारी आपकी क्योरेबल है या नॉन क्योरेबल है, इसे कहते हैं प्रोग्नोसिस. ठीक, तो एंटोनिम हो जाएगा ऑगरिंग, ऑगरी या बोडोमेंट या प्रोग्नोसिस आफ्टर द ऑपरेशन वॉज फॉर अ फुल रिकवरी. यानी कि डॉक्टर ने ये कहा था कि ऑपरेशन के बाद में पूरी रिकवरी हो जाएगी. वर्ब क्या हो जाएगा? प्रोग्नोस्टिकेट. अगला क्या है? मोनोथिज्म. मोनो मतलब वन, थियोस मतलब हो गया गॉड. तो ये मानता है कि बिलीफ इन सिंगल गॉड, जो कहता है कि एक ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है. वी आर एक्वायरिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मोनोथिज्म. ठीक है, तो ये सबका मालिक एक, तो ये क्या है? मोनोथिज्म. दिस बिलीफ इज मोनोथिज्म. ठीक, और अगला है पॉलीथिज्म. पॉलीथिज्म कहता है बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स. पॉली मतलब मैनी, थियोस मतलब गॉड. तो जो बहुत सारे भगवानों में बिलीव करता है, जैसे कि हम लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, तो वी आर पॉलीथिस्ट. ठीक है, इट मे बी वेरी कोलोकियल एंड द वॉइस आर ऑफन डिस्टॉर्टेड. ठीक है, अगला है पैनथिज्म. पैन मतलब हो गया ऑल और थिज्म मतलब गॉड. तो हु वर्शिप्स एंड एडमिट्स और टॉलरेट्स ऑल गॉड्स. यानी पैनथिज्म जो कहता है सब चीज में ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर के बिना कुछ नहीं हो रहा है. यानी कि हमारे चारों तरफ एवरीथिंग इज गॉड. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ प्ली फॉर न्यू एज पैनथिज्म बाय द बैक डोर. पैनथिज्म हो जाता है आपका वर्शिप दैट एडमिट्स और टॉलरेट्स ऑल गॉड्स. ठीक है, सो यू कैन यहाँ पर देख सकते हो पैनथिज्म इज अ बिलीफ दैट द यूनिवर्स एंड ऑल थिंग्स विद इन द नेचर ऑफ गॉड. पैनथिज्म डू नॉट सेलिब्रेट अ डिस्टिंक्ट पर्सनल एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड. यानी कि किसी इंसान रूपी भगवान की पूजा नहीं करते वो, बट एक्सेप्ट ऑल गॉड्स इन टू वर्शिप बिकॉज दे व्यू गॉड एज एवरीथिंग एंड एवरी वन एंड एवरी वन एंड एवरी थिंग एज गॉड. यानी कि सब कुछ ईश्वर ही है, उसे कहते हैं पैनथिज्म. अगला है थियोलॉजी. थियोस मतलब गॉड, लॉजी मतलब स्टडी. तो थियोलॉजी हो गया द रैशनल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलीजन एंड इट्स इन्फ्लुएंस एंड ऑफ द नेचर ऑफ रिलीजियस ट्रूथ. यानी कि जो रिलीजन के बारे में पढ़ता है उसे थियोलॉजी कहते हैं, और थियोलॉजियन हो गया जो पढ़ता है. सिनोनिम हो जाएगा कन्वर्सेशनल, इनफॉर्मल एंड एंटोनिम बुकिश, फॉर्मल लर्न एंड लिटरेरी. एंड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम थियोलॉजी देर इज ओनली वन गॉड. थियोलॉजिकल क्या है? एडजेक्टिव. अगला क्या है? लेचर. तो लेचर हो जाता है टू लिक, और लेचर मतलब हो जाता है मैन विद स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर्स, उसे कहते हैं लेचर. तो ही इज अ थिंकिंग ऑफ अ वुमन ऑल डे, व्हाट अ लेचर. ठीक, तो लेचरस ओयूएस लग गया तो एडजेक्टिव बन गया. ठीक है, तो आपको याद होगा बॉलीवुड मूवी का ये कैरेक्टर. सो ही ऑलवेज यूज टू प्ले लेचरस. यानी कि वो बहुत ही लेचरस कैरेक्टर हुआ करता था, द वन ऑलवेज यूज हु हैज स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर्स. ठीक है, याद होगा रंजीत. अगला क्या है? लिबिडिनस. ये भी उसी से याद रखते हो. लिबिडिनस हो जाता है ओयूएस एडजेक्टिव, लिबिड हो जाता है प्लेजर. तो ड्रिवन बाय लस्ट उसे कहेंगे लिबिडिनस. तो कॉन्क्यूपिसेंट या गोटिश या हॉर्नी. एंटोनिम हो जाएगा फ्रिजिड या अंडरसेक्स्ड. पावर लेट हिज लिबिडिनस इमेजिनेशन रन अवे विद हिम. अगला है लेसिवियस. तो लेसिवियस, लेसिविया मतलब होता है वॉन्टनेस. तो लेसिवियसनेस हो जाता है प्री ऑक्यूपाइड विद और एग्जिबिटिंग लस्टफुल डिजायर. ठीक है, प्री ऑक्यूपाइड विद और एग्जिबिटिंग लस्टफुल डिजायर्स, उसे कहेंगे लेसिवियस. सिनोनिम हो जाएगा कोर्स, क्रूड या डर्टी. एंटोनिम क्लीन या डिसेंट. द लेसिवियस पर्सन वॉज पुट इन प्रिजन. ठीक, अगला है लुब्रिशियस. तो लुब्रिकस मतलब होता है आपका स्लिपरी, और लुब्रिशियस हो जाता है हैविंग अ स्मूथ और स्लिपरी क्वालिटी इज लुब्रिशियस. सिनोनिम हो जाएगा कॉन्क्यूपिसेंट, उसी सेंस में याद रख सकते हैं आप. ठीक है, अगला है लिसेंटियस. लिसेंटियस हो जाता है टू बी लिसर मतलब हो गया टू बी परमिटेड. लिसेंटियस मतलब हो गया हैविंग इन अ वे दैट इज कंसिडर्ड सेक्सुअली इमोरल. तो लिसेंटियस रिलेशन मतलब सेक्सुअली इमोरल रिलेशंस. ठीक, सिनोनिम हो जाएगा कॉन्क्यूपिसेंट, गोटिश या हॉर्नी. इट मे बी वेरी लिसेंटियस आप याद रख सकते हैं बिहेविंग इन अ वे दैट इज कंसिडर्ड सेक्सुअली इमोरल. अगला है ल्यूड. ल्यूड क्या हो जाता है? वाइल. ल्यूड मतलब हो गया भद्दा या फिर ओछा. सजेस्टिव और प्रिटेंडिंग टू बी मॉरल लूजनेस, यानी जो कि नैतिक रूप से काफ़ी गलत है. सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्योर या इंडिसेंट. एंटोनिम हो जाएगा नॉन ऑप्सिंग या फिर होलसम.
ठीक है। अगला है लस्ट। लस्ट क्या है? डिजायर। लस्टफुल हो जाता है, एक्साइटेड बाई लस्ट, ठीक है। अगला है आपका प्रूरियंट। प्रूरियो मतलब हो गया रिच। प्रूरियंट हो जाता है हैविंग और शोइंग टू मच इंटरेस्ट इन थिंग्स कनेक्टेड विद सेक्स, उसे कहेंगे प्रूरियंट। मतलब जो बहुत जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है थिंग्स कनेक्टेड इन सेक्स इज कॉल्ड प्रूरियंट। ही रेड द गॉसिप रिटन अबाउट देम विद द प्रूरियंट इंटरेस्ट। एडजेक्टिव हो जाएगा प्रूरिटिक, प्रूरियंटली इज द एडवर्ब, ठीक है। तो आपको याद होगा भी एक मूवी आई थी पति पत्नी और वो, उसका ये कैरेक्टर था, ठीक है। तो जैसे कि दिस डायलॉग था इनका ये, तो शी इज अ प्रूरियंट मतलब हु हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन सेक्स, ठीक है। अगला है हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोस मतलब अंडर, हाइपोकॉन्ड्रिया हो जाता है स्टेट इन विच समबडी वरीज ऑल द टाइम अबाउट देयर हेल्थ एंड बिलीव दैट दे आर सिक, यानी कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति ये मानता है कि वो बीमार है, हर समय अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करता रहता है और मतलब ऐसे सोचता है जैसे वो बीमार है, ठीक है। तो इट शोज फ्रिक्वेंट सिम्टम्स ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिया एंड न्यूरेस्थीनिया। हाइपोकॉन्ड्रियाक एडजेक्टिव हो जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियाकल भी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब जो हर समय दवाइयाँ खा रहा है, अपने आप को हर समय बीमार समझ रहा है, उसे आप याद रख सकते हैं। अगला है हाइपर क्रिटिकल। हाइपर मतलब हो गया ओवर, क्रिटिकल मतलब जो बहुत क्रिटिसाइज करे, तो हाइपर क्रिटिकल हो गया मेटिकुलसली और एक्सेसिवली क्रिटिकल, जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की क्रिटिसाइज करे। फॉल्ट फाइंडिंग, जजमेंटल, ओवर क्रिटिकल उसे कहेंगे। एंटोनिम हो जाएगा अनक्रिटिकल। ही इज़ हाइपर क्रिटिकल ऑफ द लोकल पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हो, द वायर ही इट ऑलवेज क्रिटिसाइजेस थिंग्स, तो हाइपर क्रिटिकल मतलब जरूरत से ज़्यादा जो क्रिटिसाइज करें। अगला है हाइपर। हाइपर क्या है? ओवर। हाइपर टेंशन, टेंशन मतलब जिसमें तनाव ज़्यादा हो, तो हाइपर टेंशन मतलब हो गया अ कॉमन डिसऑर्डर इन विच ब्लड प्रेशर रिमेन्स अबनॉर्मली हाई, उसे कहते हैं हाइपर टेंशन। ओबेसिटी कोरिलेट्स विद इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपर टेंशन एंड स्ट्रोक। एडजेक्टिव हो जाएगा हाइपर टेंसिव, ठीक है। सो लेट्स कीप इट टिल हियर। हमने पार्ट 11 यहाँ से कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द सेशन, ऑल्सो कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड ऑल्सो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन दैट हाउ वॉज द वीडियो, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ओके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।